नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल कनक ब्लॉग पर स्वागत करता हूं। और आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके सारे कबूतर और सारे परिंदे भी अच्छे होंगे और साथ में उनके बच्चे भी अच्छे होंगे। तो आज हम कबूतर की एक कॉमन सी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे कबूतर अचानक से मीटिंग करना बंद कर देते हैं, अंडे बच्चे करना बंद कर देते हैं, और वो किस कमी से होता है और किस वजह से होता है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। तो जो हमारे कबूतर जो है ब्रीडिंग करना बंद कर देते हैं, अचानक से अंडे बच्चे करना बंद कर देते हैं, उसकी एक प्रॉब्लम होती है जो हम आज को आपको दिखाने जा रहे हैं। और उस प्रॉब्लम की सॉल्व जो है, जो प्रॉब्लम की आप दिक्कत है उसको सॉल्व कैसे सकते हैं, ये है विमरल। विमरल मल्टी विटामिन्स होती है जो हमारे कबूतरों के अंदर अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से कबूतर मीटिंग करना बंद कर देते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये विमरल है और ये जो है कितने ml की है, ये भी हम 60 ml की ये है और ये आपको मिल जाती है लगभग 110 रुपए की मिल जाती है। किसी भी आप पेट्स के स्टोर से ले सकते हैं। और इसमें जो होता है मेन काम विटामिन ई की कमी होता है और बॉडी में हीट पैदा करने की कमी को पूरा करता है। विटामिन ई की कमी को पूरा करने से जो है हमारे कबूतर अंडे बच्चे और ब्रीडिंग अच्छा करने लगते हैं। तो आप अपने कबूतरों को जो है लगातार 5 दिन ये दीजिए और अगर आपके कबूतर मीटिंग नहीं करते हैं तो वो मीटिंग करने लगेंगे और अंडे बच्चे फिर से रखने लगेंगे। तो कुछ भाई हमारे ऐसे होते हैं जो नए भाई हैं जिनको पता नहीं होता, उनके कबूतर अचानक से जो है मीटिंग करना बंद कर देते हैं, अंडे रखना भी बंद कर देते हैं, तो उनको ऐसा लगता है क्या हो गया, वो इंतजार ही करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं भाई, अगर वो मीटिंग कर नहीं रहे हैं तो आप या तो सरसों दे सकते हैं, कोई भी गर्म दाना दें, सरसों दें। और सबसे पहले ये दिखा दें कि भाई देखिए बारिश बहुत तगड़ी आ रही है, तो बारिश है तो इनको सबको हम अंदर कर देते हैं, नहीं तो भीग जाएंगे। तो ये रहेगा कि आप ये दीजिए और सरसों भी दीजिए, सरसों भी बहुत अच्छा काम करती है कबूतरों को ब्रीडिंग करवाने में। तो आप ये करिए और आपके कबूतर जल्दी से जल्दी जो है अंडे बच्चे फिर से करने लगेंगे। तो और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं ये दवा भाई, बहुत सस्ते में मिल जाती है और ये विमरल है, आप दीजिए और फिर देखिए रिजल्ट इसका। और इसके कई फ़ायदे हैं, इससे हमारे कबूतर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है जिससे कबूतर जल्दी से बीमारी में नहीं आता है और वो स्वस्थ रहते हैं। और जब कबूतर हमारा स्वस्थ रहेगा और उनके बॉडी के अंदर ताकत रहेगी तो वो अंडे बच्चे भी करेंगे। तो आज की इतनी वीडियो है, क्योंकि जो है भाई उधर बारिश आ रही है और बारिश जो है बहुत ख़तरनाक बारिश हो रही है, 2 दिन से उमस हो रही थी, आज बारिश फाइनली हो रही है और मेरे 2 कबूतर वहाँ पर रखे हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनको भी जल्दी से उतारते हैं नहीं तो भीग जाएंगे। तो क्योंकि बारिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आँखों में पानी आने की, तो मैंने ये बता दिया, आप ये करके देखिए और फिर आप हमें कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे पहले जो है हम अपने कबूतरों को कर देते हैं अंदर, क्योंकि वो बाहर हैं तो जल्दी से हम अंदर कर देते हैं, नहीं तो हो जाएंगे वीक। तो इसको अंदर करते हैं, चलो अंदर जाओ। ये अंदर गया और जो है वो दोनों महाशय जो हैं आराम से बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है आज वो बारिश का फुल मज़ा लेकर ही रहेंगे। और जल्दी से इनको भी बंद कर देते हैं, ये जो हैं, चलो अंदर चलो भाई। चलो अंदर अंदर चलो अंदर चलो। अच्छा, आज जो बारिश है, बारिश जो हवा कर रही है वो इधर से हवा ऐसे मार रही है, तो इधर से हवा जो ऐसे चल रही, तो पानी आज जो इसके अंदर जाने का ज़्यादा, अगर वहाँ गीला हो गया तो उससे कबूतर जो है गीली वीट खाएंगे और उनके अंदर भी बीमारियाँ आ जाएंगी। अच्छा, ये उतरा है अभी, वो उनका उतरने का मोड़ नहीं है,
वो हमको लगता है आज वो बढ़िया नहाएंगे और तभी वो नीचे उतरेंगे, तो इसको भी हम अभी जल्दी से अंदर कर देंगे। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट जरूर करिएगा, और जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आप अपने कबूतरों पे आजमाइए, फिर रिजल्ट देखिए और फिर उसी हिसाब से आप हमें कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए अपने दोस्त को आगे। नमस्कार, बाय बाय।